चित्रांगद और विचित्रवीर्य कौन थे? शांतनु ने आश्रम व्यवस्था में नहीं माना और बुढ़ापे में सत्यवती से प्रेम कर बैठे। जिस आयु में उनको पुत्र देवव्रत को राज्य सौंप कर भगवान के पास जाने की तैयारी करनी थी, उसमें उन्होंने विवाह रचाया। ये युवा सत्यवती के साथ अन्याय था, जिसकी कीमत उसने देवव्रत को भीष्म बनाकर वसूल की। ये भरोसा दिया गया कि सत्यवती की संतानें ही राज करेंगी। दशरथ और कैकेयी का विवाह भी ऐसे ही बेमेल था। कई लोग पूछते हैं कि जब द्वापर युग में इतने कन्या हरण हुए, स्वयं भीष्म ने भी बाद में किए, तो सत्यवती का हरण भी हो सकता था। इतनी प्रतिज्ञाओं की क्या जरूरत थी? इसका उत्तर तो यही समझ आता है कि जब कन्या के कोई रक्षक हो तभी हरण उचित माना जाना था। सत्यवती का पिता तो बेचारा मछुआरा था, ऐसे में ये हरण नहीं अपहरण होता, जैसे रावण ने माता सीता का किया था। सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों एक दूसरे से विपरीत थे। चित्रांगद शक्तिशाली था और विचित्रवीर्य कमजोर। उस समय नियम थे कि राजकुमार उचित समय पर गुरुकुल जाकर शिक्षा पाते थे, संयम अनुशासन का जीवन जीते थे, पर सत्यवती ने ममता में पढ़कर इन दोनों को महलों में ही शिक्षा दिलाई, इसी कारण दोनों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ। ये दोनों असमय निस्संतान मृत्यु को प्राप्त हुए। चित्रांगद वीर था, पर जगह जगह लोगों को युद्ध की चुनौती देता फिरता था। ऐसे ही एक बार अपने हमनाम गंधर्व के हत्थे चढ़ गया और मारा गया। विचित्रवीर्य को क्षय रोग था, वो भी कम उम्र में स्वर्ग सिधार गए। महाभारत में ये वर्णन नहीं मिलता कि तब भीष्म किधर थे, उन्होंने अपने भाई चित्रांगद को क्यों नहीं बचाया। चित्रांगद की मृत्यु के बाद भीष्म ने सत्यवती को वचन दिया कि वो भविष्य में हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने वाले हर राजा की रक्षा करेंगे। ये वचन आगे जाकर महाभारत युद्ध का कारण बना।